व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोज किचन घी, क्योंकि एक लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोज किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोज किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोज किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पूर्व पति और मौजूदा पति में हुई खूनी झड़प, बच्ची बनी कारण, दोनों पक्षों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 14 फरवरी शाम 7 बजे मुंब्रा स्टेशन परिसर में एक ऐसी वारदात हुई जिसकी जानकारी सुनकर आप दंग हो जाएंगे। दरअसल दत्तूवाड़ी परिसर में रहने वाले रफीक खान और स्टेशन परिसर में ही रहने वाले सोहेल जुबैर अहमद शेख उर्फ चाबा, इन दोनों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें जो दोनों पक्षों का आरोप प्रत्यारोप का मामला है वो हम आपको बाद में बताएंगे, मगर घटना की जानकारी पहले। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है। रफीक खान की लगभग 4 से 5 वर्ष पहले शादी हुई थी। शाहिना नाम की जिस युवती के साथ उसकी शादी हुई थी, उसका निकाह हुआ था, 4 साल बाद 5वें साल में ये शादी टूट गई, तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए। दोनों को एक बच्ची थी, 4 साल की ये बच्ची है और ये फिलहाल रफीक खान के यहाँ अपनी दादी के साथ, अपने पिता के साथ रह रही थी। रफीक खान, उसकी माँ, इनके अनुसार 14 फरवरी शाम को शाहिना जो है बच्ची को लेने के लिए घर पर आई। मिलने के बहाने से उसने घर में प्रवेश किया और बच्ची को वो उठा करके चली गई। उसके बाद उन लोगों ने उसका पीछा किया। उसी दौरान सोहेल जुबैर अहमद उर्फ चाबा ने रफीक खान के गले पर और हाथ पर चाकू से वार कर दिया। रफीक की हालत गंभीर है, उसे कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के ICU में रखा गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उसकी माँ ने जो बयान दिया है, जो जानकारी दी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद सोहेल जुबैर अहमद शेख उर्फ चाबा और शाहिना ने भी हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम जो है ये कहना चाहेंगे कि अलहिदगी के बाद रफीक और उसकी माँ, परिवार के लोग बच्ची से शाहिना को मिलने नहीं देते। तो आज वो बच्ची को मिलने गई और बच्ची उसके साथ आना चाह रही थी, इसके लिए वो उसको लेकर आई। इसका विरोध करते हुए रफीक खान उनके पीछे आया, रिक्शा रोकी और उसी के पास पहले हथियार था और उसने सोहेल पर हमला करने की कोशिश की, मगर सोहेल ने अपने बचाव में उसी के हथियार से उस पर हमला किया। ये दोनों पक्षों की बात है और फिलहाल पुलिस ने मेडिकल मेमो देकर रफीक खान को अस्पताल भेजा था, इसलिए भी कानूनी कार्रवाई जो है वो प्रलंबित है। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस इसमें क्या मामला दर्ज करेगी वो आने वाले 1-2 दिन में स्पष्ट हो पाएगा। मगर 5 साल पहले रफीक खान और शाहिना का निकाह हुआ, शादी हुई और उसके बाद दोनों के बीच बन नहीं रही थी, इसके लिए दोनों ने अलहिदगी कर ली। इतना ही नहीं, दोनों पक्ष इस बात को भी स्वीकारते हैं और कहते हैं कि शाहिना और सोहेल उर्फ चाबा का पहले से ही अफेयर था, यानी प्रेम संबंध थे। तो कुल मिलाकर के बच्ची जो है उसको माँ से नहीं मिलने देना या फिर बच्ची को जो है मिलने की माँ की ललक, ये कारण बना है आज एक मौजूदा पति और पूर्व पति के बीच में खूनी झड़प का। इस संबंध में अलहिदगी के जो मामलात है, यानी रफीक खान और शाहिना पति पत्नी के तौर पर जब शरीयतन अलग हुए, तो ऐसा रफीक खान के परिवार का कहना है कि मिलने की, बच्ची से मिलने की, माँ को अनुमति वगैरह की ऐसी कोई बात उसमें नहीं थी, वो मिलने आई थी, मिलने के बहाने बच्ची उठा कर ले गई है। खाला, आपका नाम क्या है? परवीन हनीफ खान। हाँ, आपके बेटे के साथ हादसा हुआ, उनका नाम क्या है? रफीक हनीफ खान। क्या वारदात हुई उनके साथ, क्या हादसा हुआ? तो उन लोग ने वार किए। किन लोग से? लोग शाहिन और चाबा। किस वजह से वार किया आप? उन्होंने कुछ वजह से नहीं, मान लो उसकी वाइफ थी वो पहले जी, 4 साल उसके साथ में रही है, उसके साथ में रहने के बाद में उसको पहले उसका
पसंद था उसका आदमी, वो जो जिससे अभी इसने शादी करी है उसके साथ में उसका पहले से था अफेयर, इसके साथ में उसका दिल भर गया तो उसके साथ में जाके शादी कर ली उसने। तो कितना टाइम पहले शादी की है? अभी हो गया 3-4 महीना हो गया। तो आपके बेटे से तलाक हो चुका? तलाक हुआ 8 दिन में उसने शादी कर ली उसके साथ में जी। 8 दिन भी नहीं हुआ था। अब मेरी बच्ची को भी लेके चली गई, घर में घुस के मेरी बच्ची को लेके चली गई। ये बच्ची आपके बेटे की थी? हाँ मेरे बेटे की है वो। अच्छा कितने साल की बच्ची है? 4-4 साल चालू है इसको। तो ये मिलने आई थी या? मिलने नहीं आई थी, बच्ची को उठाने आई थी वो। उठाने आई थी, कितने बजे आई थी ये घर में? अभी 7 बजे कुछ आई थी करीब। तो उठा के कहाँ भागी लेके? वो रिक्शा में लेके भागी, उसके साथ में 5-6 आदमी लोग भी थे। अच्छा तो आपके उन लोग ने मेरे को धक्का दे दिया और उन लोग रिक्शा में लेके चले गए उसको। तो आपके बेटे घर में ही थे? नहीं मेरा बेटा घर में नहीं था, मेरा बेटा बाहर था। अच्छा तो ये आपके बेटे के साथ हादसा कहाँ हुआ? वो स्टैंड पे। कौन से स्टैंड पे? वो रिक्शा स्टैंड पे हुआ है, मुमरा स्टैंड पे हुआ। रिक्शा स्टैंड पे तो वहाँ आपको पता है उन लोग की क्या आपस में झगड़े हुए जो उसके वजह से वार? नहीं कोई झगड़े हुए नहीं हुए थे, वही बस जो शादी की है वही के वजह से। वो क्या चाहती थी वो हमको भी नहीं मालूम, वो किस वजह से करी, उसने किस लिए करी वो हम लोग नहीं जानते। मगर इतना अभी जरूर जानती हूँ कि वो दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। उसने मेरे बेटे की जिंदगी सत्यानाश करी, अल्लाह उसकी जिंदगी सत्यानाश करे। वो तल तल मरे जैसे आज मैं तड़प रही हूँ ना, अल्लाह उसको तड़पाए उसको। ये आपकी जो बेटे है मेरी बच्ची को लेके गई है, मेरी बच्ची मेरे को मेरे आपको को बच्ची मिल गई रिटर्न? नहीं बच्ची को लेके गई है वो, बच्ची को भी लेके, बच्ची को लेके गई है घर में से उठा के बच्ची को लेके गई है वो। उन्होंने पहले भी उसको मारने की कोशिश की है, धमकी भी दी है मुझे 2-3 बार, उसका धमकी भरा फोन भी आया था कि तुम्हारे बेटे को कब्र वो कफन तैयार करो बोल के। उसने तभी भी धमकी दिया था, मैंने पुलिस चौकी में तभी भी कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट की थी तभी भी। मुमरा पुलिस चौकी से मेरा निवेदन है कि कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए, उसका बोलते ना उसको हर हाल में उसको वो करे, हर हाल में उसको सजा मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए, एक को नहीं दोनों को मिलना चाहिए। आपके बेटे की अभी कंडीशन कैसी है? मेरे बेटे की अभी कंडीशन ठीक नहीं है जी। अभी क्या डॉक्टरों ने बोले? ICU में है वो। अच्छा, उसकी जान को खतरा है उसके। अच्छा। उसके गला पूरा कट गया है। और कहाँ है वार है कुछ बता? गले पे वार है, हाथ पे वार है। अच्छा। ये कितने बजे है हादसा हुआ? 7 बजे करीब कुछ हुआ है, मगरिब की अजान के बाद। पुलिस स्टेशन गए थे आप? हाँ हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस कार्रवाई कर रही है।